आप जो मार्केट से आईसी ला रहे हैं वो डुप्लीकेट और चीप है। आज के समय में इस आईसी की कॉपी आईसी बहुत आती है, कौन सा असली है कौन सा नकली है आप चुटकी में पहचान सकते हैं। आपके सामने एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे आप आईसी को दूर से बड़े आसानी से देख के बता सकते हैं ये आईसी असली है या नकली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मिस्टर इंजीनियर पर। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लाया हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आईसी है TDA 2030 ये होम थिएटर में यूज किया जाता है, म्यूजिक सिस्टम में यूज किया जाता है। ये आईसी एम्पलीफायर की आईसी है जो 14 वाट की आउटपुट देती है ये, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इस आईसी को कैसे पहचानेंगे ये असली या नकली है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में इस आईसी की कॉपी आईसी बहुत आती है, कॉपी इसकी नकली आईसी बहुत ही मार्केट में बिक रही है। आज जब आप लेने जाएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे असली कौन सा नकली कौन सा है। दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है कि असली कौन सा नकली कौन सा है, क्योंकि अगर आपके पास होम थिएटर है या कोई म्यूजिक सिस्टम है और उसकी आईसी जल गई, आप मार्केट से आईसी लेकर आएंगे, आईसी लगाते हैं लेकिन आपको वो वाली आवाज नहीं मिलती जो आवाज पहले थी, जो आउटपुट पहले आ रही थी वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो मार्केट से आईसी ला रहे हैं वो डुप्लीकेट और चीप है। जो ओरिजिनल आईसी है वो 14 वाट की होती है, जो डुप्लीकेट आईसी होती है, जो कॉपी आईसी होती है वो सिर्फ 10 वाट की होती है और उसकी आवाज में वो बात नहीं रहेगी जो जो ओरिजिनल आईसी में होती है। क्योंकि अगर आप नकली आईसी लाते हैं तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आपको पहले आउटपुट आ रही थी आपके होम थिएटर में। अगर आपने होम थिएटर परचेज करके लाया, आपको आउटपुट अच्छी नहीं मिल रही है, शायद हो सकता है उसके अंदर नकली आईसी लगी हो, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आराम से देखें और आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा असली आईसी कौन सी है और नकली कौन सी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी और भी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं बताऊं अभी आपको ये आईसी इसमें असली भी है, ओरिजिनल भी है और नकली भी है। कौन सा असली है कौन सा नकली है आप चुटकियों में पहचान सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप देख रहे हैं अभी मैं इसको लेता हूं, मैं आईसी सारी सेम है, एक ही नंबर है, एक ही वैल्यू है, सिर्फ असली नकली है। आप ये देख लिए कि इसकी जो पिन है, आप इसकी पिन देख रहे हैं ना, बहुत पतली पतली है, यानी कि नकली है। आप ये देखिए ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल आईसी कैसी दिख रही है आपको, देख रहे हैं आप देख रहे हैं इसके मुकाबले इसकी पीने मोटी है। ये सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है आईसी को पहचानने का। हालांकि इन आईसी को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत इजी सबसे सरल तरीका यही है कि जो नकली होगा उसकी पिन पतली होगी, जो असली होगा उसकी पिन मोटी होगी, स्ट्रांग होगा। आप ये देख लीजिए मेरे हाथ में, आप ऐसे देख रहे हैं, दो ये तीन, इस सबकी पिन आप देख रहे हैं मोटी मोटी है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो कॉपी है एक मेरे हाथ में ये है, इसकी पिन आप देखेंगे बहुत पतली और बारीक है। ये भी देख लीजिए इसकी भी पिन बहुत पतली है और बारीक है, जबकि दिखने में आप देख रहे हैं कि अगर मैं पिन को छोड़ दूं बाकी दिखने में सब कुछ सेम है, ठीक है दोस्तों। पिन के अलावा दूसरी पहचान क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोनों की जो हिटसिंग है, ये ऊपर की हिटसिंग आप देख रहे हैं, एक की थिकनेस बहुत हैवी है, दूसरी बहुत पतली है, आप शायद देख पा रहे होंगे। ये जो ओरिजिनल है इसकी पिन भी मोटी है, लेग्स की पिन जो पिन है, लेग्स पिन ये पतली है और ये मोटी है, जो मोटी हैवी है वो ओरिजिनल है। साथ साथ इसकी हेडसिंग यानी कि जो इसका हेड है ये भी आप देख रहे हैं थिकनेस इसकी मोटी है और इसका पतला है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।